बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजी श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी को पल पल सीस दो। सुंदर साथ जी, आज श्री राज श्यामा जी की मेज से गुरजू की ही प्यारी शोभा को दिल में बसाने का प्रयास करते हैं एक बार फिर से। तो हम गुम्बद जी को जी भर के निहारे, गुम्बद जी की इस प्यारी शोभा में गुरजू की शोभा ये देखिए गुम्बदों की। और यहाँ देखिए 10 मंदिर कहाँ आसमानी कैसे आगे निकलता हुआ और घेर कर आई गुम्बद बुर्ज जागनी ब्रह्मांड का मोल मिलावा। और अब शिवराज जी की मेज से हद बेहद के परे श्री परम धाम में अपने निज घर इस रंग महल को निहारते हैं। नो भौम दसवीं आकाशी भूंबर ऊंचे चबूतरे पर शोभायमान, भौम दर भौम मंदिरों की शोभा, जरोखों की शोभा, छज्जे और बुर्ज भी तो नजर आ रहे हैं, बुर्जों की प्यारी शोभा। सुंदर सा जी एक प्रयास किया है कि थोड़े से प्रश्न उत्तर के माध्यम से, मतलब आपके सामने प्रश्न रखते हो और उसको डिस्क्राइब करने का, ताकि एक एक शोभा क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन उठता है बिल्कुल बेसिक है, हम सब जानते हैं, लेकिन हम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं कि श्री रंगमहल की शोभा गोलाई में है या पहल में है। पहलदार है तो कितने पहलाए, तो देखिए अपने कितने पहल आए हैं। 6,000 मंदिर हैं, 30 मंदिर का एक पहल है, तो पहल आने चाहिए अपने 200 पर 201 पहल आए हैं। तो पहलदार शोभा, और जहां पर दो पहल मिल रहे हैं, ये देखिए जहां पहल के कोने मिल रहे हैं वहां पर गुण शोभायमान होता होगा। सुंदर सा जी एक बार वर्णन कर लूं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लेते हैं या कल ले लेंगे क्वेश्चन आंसर। आज एक अच्छे तरह से दिल में लेने की शोभा कोशिश करते हैं। जहां पर दो पहल मिल रहे हैं वहां पर गुर्ज की शोभा। अब हम धाम रोज पे खुद को महसूस करें कि हम भूम भर ऊंचे चबूतरे पर हैं और परिक्रमा कर रहे हैं, तो अपने एक हाथ को रंगमहल के मंदिर है, उन मंदिरों की दीवार की शोभा, एक बड़ी मेहराब, उनमें तीन तीन में पुनः तीन तीन, छह जाली द्वार, दो दरवाजे और ठीक मध्य झरोखा। धाम रोज पे है तो 22 हाथ ऊंचाई पे झरोखा। और यहाँ पर जब एक पहल से दूसरे पहल में हम जा रहे हैं तो वहां पर गुर्ज की सुंदर शोभा। इन पहल से अब हम इन पहल की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे जहां पर दो पहल मिल रहे हैं वहां पर गुर्ज की सुंदर शोभा आई है। ये देखिए अब हम गुर्ज की शोभा को निहार रहे हैं, हम धाम रोज पर हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, तो हमारे एक हाथ की ओर, जैसे हम परिक्रमा के ही उसमें हैं, तो अपने दाएं हाथ की ओर रंगमहल के मंदिर है, और जहां हास के पहल मिल रहे हैं वहां पर सुंदर अपना बुर्ज। अब इन बुर्ज की एक दीवार की शोभा, जो तीन दीवारें धाम रोज पे खुल रही हैं उनकी शोभा, एक बड़ी मेहराब, लाल मानी के फूल, उनके ऊपर 12 हाथ में चित्रामन, जिनमें
पेशानी, कांगरी, तुंडवा, तख्ता और फिर छज्जा, फिर तीन ठीक मध्य दरवाजा और नूरमयी जालीदार। सुंदर शोभा दिख रही है अपने को। अब बुर्ज की भीतरी दीवार भी महसूस करें, हमने बाहर की तीन दीवारें तो देख ली, अब भीतरी दीवार की शोभा। अब इस बुर्ज की भीतरी दीवार मूलतः मंदिरों की दीवार है, जहां पे दो पहल मिली वहां पर बुर्ज की शोभा हुई, दोनों पहलों से 33 33 7 लिखे। तो ये 33 7 मान लीजिए हम जो 25 मंदिर का हास है, धाम दरवाजे के हास से लगता हुआ 25 मंदिर का हास है और 30 मंदिर के हास है, उन दोनों के यहाँ पर देखिए मैं यह नक्शा दिखाती हूँ। अब मान लीजिए हम इस 25 मंदिर के हास और ये 30 मंदिर का हास, ये जहां दो पहल मिल रहे हैं उन स्थान पर है, तो उस वक्त इन बुर्ज की भीतरी जब शोभा देखेंगे, तो ये बुर्ज की भीतरी दीवार। अब इधर से अंदर जाएंगे तो हम जाएंगे 25 मंदिर वाले हांस के, जो 25 मंदिर का हांस आया उन मंदिर में, इधर हम 30 मंदिर के हांस से, जो उस मंदिर से हमने 33 7 ली है वहां पर। तो पीछे की तरफ जो दो दरवाजे आए हैं वो मूलतः मंदिरों के दरवाजे हैं। इन शोभा को हम यहाँ से वापस देखते हैं, ये देखिए इसको यहाँ से ड्रॉ करके देखते हैं। ये एक हास हो गया और ये हास, यहाँ पर ये दो हास मिलते हुए, तो इन स्थान पर बुर्ज की शोभा कैसे आई है? 33 7 तो इस मंदिर से लिए और 33 7 इन मंदिर से लेकर, ये अपना 66 हाथ का लंबा चौड़ा गुर्ज हो गया। अब ये तीन दीवालों की शोभा तो हमने देखी कि एक बड़ी मेहराब जैसी दिख रही है, बड़ी मेहराब, बड़ी में तीन तीन, एक दरवाजा, दो जालीदार। ये देखिए बड़ी मेहराब की नोक पर भी लाल मानी के फूल, बाकी मेहराबों पर ठीक मध्य दरवाजा। अब भीतरी दीवाल की शोभा देख रहे हैं तो दो दरवाजे नजर आ रहे हैं, इन दरवाजे से इन मंदिर में जा सकते हैं, इन दरवाजे से इन मंदिर में, और एक प्यारी सी शोभा ये जो उल्टी कमाने नजर आती है, क्योंकि इन बड़ी मेहराब में से ये 33 7 गोश ने दबा लिए, इधर भी 33 7 गोश ने दबा लिए, तो ये पीछे की दीवार में एक बड़ी मेहराब ना आकर कैसे दरवाजे की उल्टी कमाने नजर आ रही है। अब इसको वहां से देखते हैं, ये देखिए कितना प्यारा नक्शा हमारी श्रुति ने बनाया है, सौरदेवी की बहू ने। ये देखो दो दरवाजे, उनपे दो मेहराबे, ये एक मंदिर से लिया 33 7, ये दूसरे मंदिर से लिया 33 7, जहां पर पहल मिल रहे हैं, और ये उल्टी कमाने, कमान देखो कैसे मेहराब की कमाने आ रही है, तो ये और दो माणिक के फूल, मेहराब के दोनों ओर लाल माणिक के फूल है ना, तो यहाँ दो माणिक के फूल और ऊपर 12 हाथ की चित्रकारी दोनों मंदिरों की मिलती है। तो इस तरह से मंदिर की भीतरी दीवार की शोभा ये देखिए, और इस नक्शे से भी हम देखें भीतरी दीवार की शोभा। ये देखिए कमाने, ये दो दरवाजे, इन दरवाजे से 10 मंदिर के हास में जाइए, इस दरवाजे से 25 मंदिर के हास में जाएंगे। अभी जो परिक्रमा चल रही थी तब मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं, यहाँ पर देखें हम, ये देखिए गुम्बद जी में भी
जहां पर ये देखिए दो पहल मिलते हुए वहीं पर ये दरवाजा आया, बाहर की तरफ गुम्बद आया। ये देखिए ये कॉल लिया मैंने, 1 सेकंड कॉल लिया। ये देखिए दो पहल मिलते हुए, ये पहल और ये पहल, एक बार मैं ड्रॉ करती हूँ। एक ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों में कट दिखाई दे रहा है ना, पहल मिलते हुए हैं यूं इस तरह से, कुछ ऐसी सी शोभा आती है ना पहल मिलते हुए। पहलदार गोलाई अपनी संपूर्ण गोलाई नहीं है, ये देखिए। ये देखिए जहां पर 30 मंदिर के दो पहल मिल रहे हैं, इसी के सामने गुज की शोभा होगी ना। 33 हाथ हम एक मंदिर से लेते हैं, 33 हाथ ये दूसरे मंदिर से, और ये 66 हाथ का अपना लंबा चौड़ा गुज हो जाता है धाम रोज पर। अब इस गुज की भीतरी दीवार में एक दरवाजा तो अपने को इस जगह मिलेगा और एक दरवाजा अपने को इस जगह मिलेगा। दो दरवाजे मिल रहे हैं ना, तो एक दरवाजे से हम दाई तरफ वाले हाथ में जा सकते हैं, दूसरे दरवाजे से हम बाई तरफ वाले से बाई तरफ के हाथ में जा सकते हैं। तो इस तरह से गुर्ज की भीतरी दीवार की शोभा। और ये देखिए शोभा मतलब जो भीतर की दीवार है वो पूरी सीधी नहीं है, और ऐसे ही अपने को पूरब की दीवार भी वो पूरी पहलदार शोभा दिखेगी। गुर्ज की भी, कुछ की शोभा भी हम देखते हैं तो अपने को पहलदार मिलेगी। जैसे ये भीतर की दीवार पहलदार है, उसी मुताबिक ये दीवार भी तो पहलदार होनी चाहिए ना, इसकी शोभा भी तो वैसी होगी, वो दिल में बसाए शोभा। ये देखिए ये भीतर से देख रहे हैं हम, ये देखिए सुंदर साची, ये भीतरी दीवार की प्यारी सी शोभा। दो मेहराबे अपने को 33 हाथ की नजर आ रही हैं, उनके दाएं बाएं लाल मानिक के फूल। फिर ये जो 33 33 हाथ दबाए हैं, तो इन दोनों मंदिरों की मेहराबों की कमाने और ये दो लाल मानिक के फूल और ऊपर चित्रकार, तो कितनी प्यारी शोभा अपने को भीतरी दीवार की नजर आएगी। अब हम गुर्ज के अंदर हैं, गुर्ज के अंदर है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि अब इन गुर्ज में जाना है तो क्या रोस और गुर्ज का लेवल समान है। हम धाम रोस पे हैं, गुर्ज की चारों दीवारें हमने देखी भीतर जाकर, तीन दीवारों में तो बड़ी मेहराब, ठीक मध्य दरवाजा, दाएं बाएं जाली द्वार, भीतरी दीवार में अपने को 4 जाली द्वार, 2 दरवाजे मिल रहे हैं। अब यहाँ पर एक दरवाजा है, 2 जालीदार, तो यहाँ पर हिसाब है 22 हाथ की लंबाई चौड़ाई का, क्योंकि तो टोटल 66 हाथ है। अब भीतर भी अपने टोटल 66 हाथ हैं, तो यहाँ पर ये दरवाजे 11 11 हाथ के हुए, दोनों दरवाजों ने टोटल जगह 22 हाथ की ली है, चारों जालियों ने टोटल 22 22 हाथ 44 हाथ की जगह ली है, लेकिन यहाँ पर दरवाजे हो गए छोटे, 2 दरवाजे है ना, तो यहाँ 11 हाथ की लंबी चौड़ी दरवाजे और 11 हाथ की जाली द्वार, लेकिन जो तीन दीवारें हैं उनमें 22 हाथ का दरवाजा और 22 हाथ की जाली, हिसाब 66 हाथ का ही है। अब हम यहाँ धामरोस पे हैं, गुर्ज में जाना है, तो लेवल समान है सुंदर साजी, अपने अपने दिल में हम सोचे लेवल समान है गुर्ज का और
धाम रोज का लेवल बिल्कुल समान आया और मंदिरों का लेवल भी इसी समान लेवल में आया। धाम रोज पे है अभी, अब छज्जे की बात नहीं हो रही, हम प्रथम भूमिका में धाम रोज पे हैं, तो धाम रोज बुर्ज और मंदिर का लेवल समान है। अब इस मंदिर में अपने को जाना है तो एक सीढ़ी ऊंची चौखट उलंग के जाना है, जैसे हम धाम दरवाजा पार करते हैं। यहाँ आएंगे तो हम एक सीढ़ी ऊंची चौखट उलंग कर जाएंगे। और हम गुर्ज के भीतर हैं, मंदिरों में जाना है तो भी अपने को एक सीढ़ी ऊंची चौखट उलंग के जाना है। हम यहाँ पर हैं और यहाँ से अपने को मंदिरों में जाना है, मंदिर और गुर्ज भी समान लेवल में है, तो एक सीढ़ी चौखट को उलंघ के हम मंदिरों में जा सकते हैं। अब घेर कर अपने पास 201 पहल 201 गुर्ज आएंगे, तो क्या सभी 201 गुर्जों की शोभा समान है? तो हम देखेंगे इन 10 मंदिर के हाथ के बुर्ज हम छोड़ देंगे, ये दो बुर्ज हम छोड़ देंगे, तो घेर कर पूरे पूरी परिक्रमा में जो 199 बुर्ज आए उन सब की शोभा एक समान रूप से आई है। धाम दरवाजे के हाथ में 10 मंदिर के हाथ में जो दो बुर्ज हैं उनकी शोभा विशेष आई है, बाकी बुर्जों की भी शोभा विशेष है लेकिन इनकी थोड़ी न्यारी शोभा है। घेर कर जो ये अपने 199 बुर्ज आए हैं बिल्कुल समान रूप में शोभायमान। हाँ जी सुंदर साहब जी, मैसेज में जवाब दे सकते हैं, जैसे अभी सिंह साहब ने बड़े प्यारे दोनों आंसर दिए हैं। तो अब अगला क्वेश्चन, ये 10 मंदिर का हास, धाम दरवाजे का हास, यहाँ पर दो बुर्ज है, ये किन स्थान पे है? तो अब हम 10 मंदिर के हास में खुद को महसूस करें। 10 मंदिर के हास नाम लेते क्या शोभा नजर आती है? बीच में दो मंदिर का लंबा चौड़ा चौक और चौक के दाएं बाएं चार मंदिर के लंबे और दो मंदिर के एक सीढ़ी ऊंची चबूतरे, ये देखिए है ना। अब यहाँ हम एक सीढ़ी चढ़कर चबूतरे पर आए, चबूतरे की शोभा देखे, तले गिलम ऊपर चंद्रमा, पूरब किनार पर हीरा माणिक पुखराज पांचों नेवी के थम, दो दो रंगों की मेहराबे। तो जैसा क्रम यहाँ पर है वैसा ही क्रम यहाँ पर, हीरा माणिक पुखराज पांचों नेवी, यहाँ पर खुले थम्बाए हैं, यहाँ मंदिरों की दीवार में अक्षित थम्बाए हैं, चार मंदिरों की दीवार लग रही है उनमें अक्षित थम्बाए हैं। अब हम यहाँ देखेंगे जब हम चबूतरा पार कर रहे हैं तो पहला मंदिर दूसरा मंदिर तीसरा मंदिर अपनी संपूर्ण शोभा सहित नजर आ रहा है। इस शोभा को हम यहाँ से देखते हैं, ये देखिए जैसे ये मंदिर संपूर्ण शोभा सहित नजर आ रहा है, पूरा मंदिर नजर आ रहा है ना, पूरी मेहराब, उनमें तीन मेहराबे, फिर उनमें छह जालीदार दो दरवाजे मध्य दीवार पे चरोखा। अब जो जहां पर अब चौथा मंदिर है जहां से बुर्ज का 33 हाथ लिया गया, वहां पे ये मंदिर अपने को वहां पर 33 33 हाथ की सिर्फ दो मेहराबे नजर आ रही है ना, क्योंकि इस मंदिर के 33 हाथ बुर्ज ने दबा लिए। तो ये बुर्ज 33 हाथ तो चबूतरे पर है और 33 हाथ धाम रोज पर है, बुर्ज 33 हाथ चबूतरे पर और 33 हाथ धाम रोज पर। तो इसको इस अगले नक्शे से भी देखते हैं, ये देखिए ये भी श्रुति सुंदर साथ का बनाया हुआ, ये लाल रंग में चबूतरा जिसको दूसरी भूमि में बड़ा झरोखा कहते हैं, एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा और ये अपनी धाम रोज, ये कठेड़े की शोभा, ये देखो कितना प्यारा, जो एक मंदिर की जगह हमने चांदनी चौक से ली है वहां पर भी कठेड़ा दिखता हुआ, ये देखिए। अब यहाँ पे अपने को क्लियर नजर आ रहा है ना कि आधा जो बुर्ज है वो तो है जरोखे पर और आधा कुर्ज है धाम रोज पर, है ना। तो 10 मंदिर के हास के जो बुर्ज है
है। तो ये भी जहां पर हांस के पहल मिल रहे हैं, यहाँ 10 मंदिर का पहल और ये 25 मंदिर का पहल, इनका कोना मिल रहा है, तो उसी कोने पर ये घुस जाए हैं। लेकिन यहाँ पर 10 मंदिर के हांस में एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा हो गया। तो आधा बुर्ज हम कहते हैं चबूतरे पर है और आधा बुर्ज है धामरोस पर। इसको ये महाराष्ट्र जी के नक्शे से देखिए, यहाँ से भी क्लियर होती है शोभा। ये देखिए आधा बुर्ज चबूतरे पर, आधा बुर्ज घेर कर जो धामरोस आई है उनके ऊपर। तो अपने को ये क्लियर हो गया कि 10 मंदिर के हांस के बुर्ज किन स्थान पर आए हैं। हाँ जी, अब जैसा कि अभी हमने देखा कि 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक से हम एक सीढ़ी चढ़कर चबूतरे पर आ गए, दक्षिण तरफ वाले चबूतरे पर, क्योंकि जो मैंने अभी पिक्चर निकाली है दक्षिण तरफ वाले बुर्ज की निकाली है। तो हम दक्षिण तरफ वाले चबूतरे पे आ गए, अर्थात हमारा मुख है रंग महल की ओर, धाम दरवाजे की ओर। हम अपने बाएं हाथ को जो चबूतरा आया है उससे एक सीढ़ी चढ़कर चबूतरे पर आ गए। अब इस चबूतरे की उत्तर दीवार कौन सी हुई, इस बुर्ज की दीवारें देखते हैं। ये दीवार पूरब हुई, अपने दाएं हाथ को ये दीवार उत्तर हुई, ये दक्षिण हुई। मैं एक बार लिख भी देती हूँ, ये दीवार अपनी है उत्तर दिशा की। ये है पूर्व दिशा की दीवार और ये है दक्षिण दिशा की दीवार, है ना। अब हम चबूतरे पे हैं, उत्तर दिशा की दीवार में जो अपना 22 हाथ का सुंदर दरवाजा आया है, 22 हाथ का दरवाजा, 22 हाथ की जाली, बड़ी मेहराबों पर सुंदर डिजाइन। अब इस बुर्ज में जाना है तो कैसे जाएंगे, उत्तर दीवार से अपने को बुर्ज में जाना है तो कैसे जाएंगे। सुंदर साजी मैसेज में आंसर दे सकते हैं हम, एक सीढ़ी ऊंचे चबूतरे पर है और अपने को बुर्ज में जाना है तो कैसे जाएंगे। अभी हमने देखा बुर्ज और मंदिरों का लेवल समान है और ये चबूतरा मंदिरों से एक सीढ़ी ऊंचा है, तो हमें एक सीढ़ी उतर कर बुर्ज में जाना है। जब हम चबूतरे पर है बुर्ज की उत्तर दीवार में जाना है तो एक सीढ़ी उतर के जाना है। हाँ जी, सब सुंदर साथ के आंसर आ गए, एक सीढ़ी उतर कर। हाँ जी, तो अब हम अगला लेते हैं क्वेश्चन। ये अपना क्लियर हो गया कि हम चबूतरे पर हैं तो एक सीढ़ी नीचे उतर के जाना है, क्योंकि लेवल दिल में रखना है कि जो बुर्ज का लेवल है भूम दर भूम, 8वीं भूम तक, 9वीं भूम की शोभा पे फिर शोर करेंगे। भूम दर भूम हम देखेंगे जो बुर्ज है और मंदिर है समान लेवल में आए हैं, तीसरी भूमिका में भी शोभा थोड़ी बदलेगी वो तब देखेंगे। तो मंदिर और बुर्ज का लेवल समान है और हम एक सीढ़ी ऊंचे चबूतरे पर हैं तो उतर के जाना है। ये देखिए, ये अपना जो सिरसावर से नक्शा छपा है अपना नया, ये देखिए यहां से हम उतर रहे हैं तो एक सीढ़ी उतर के जाना। और एक शोभा और दिल में अभी आ रही है कि हमारे सामने है चबूतरे के सामने पूरब में हीरा माणिक पुखराज पांचों नीली, दो दो रंगों की मेहराबे। ठीक वैसे ही हम चबूतरे के भीतरी तरफ आए हैं तो वो मंदिर भी उन्हीं दो रंगों में झलकार करते हुए, जैसे ये देखो ये पांच और नीली का थंब है, तो ये दो मंदिर, ये मंदिर भी उन्हीं रंगों में झलकार करते हुए, जैसे हीरा माणिक, हम कह रहे हैं ना दो रंग की मेहराब है, उनके बीच में दो रंग की सुंदर झलकार पड़ रही है। तो सामने जो मंदिर है उसके दाएं बाएं भी अगर हीरा माणिक के थंब है, दो रंग की मेहराब पड़ रही है ऐसे, तो वहां पर उन दो रंगों की झलकार है। ये देखिए सुंदर साची, उत्तर दीवार में जाना है तो ऐसे अपने को चबूतरे से एक सीढ़ी उतर के जाना है। अब हम चबूतरे पर ही हैं, चबूतरे पे देखिए गोज की शोभा को देख रहे हैं। अब वहां से उतर के हम धामरोस पे आ गए। अब इस गोज की जो दीवार यानी दक्षिणी दीवार धामरोस पे आई है उसमें कैसे जाएंगे, ये देखिए
इस गुर्ज के हम यहाँ से एक सीढ़ी उतरकर धाम रोज पे आ गए। ये छज्जे वाला है नक्शा, लेकिन हम इसको एक सीढ़ी महसूस करें। एक बार मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ये अपनी एक ही सीढ़ी है। इस एक सीढ़ी को उतर के हम यहाँ पर आ गए धाम रोज। ये है अपनी धाम रोज। और ये अपनी है दक्षिण दीवार। तो यहां से अपने को गुर्ज में जाना है तो कैसे जाएंगे? यहां पर ये सीढ़ियां नहीं है, कैसे जाएंगे? सुंदर साहब जी, तीन सीढ़ियां नहीं है, ये तीसरी भवन का नक्शा है। चौखट को पार करके, हाँ जी सुंदर साहब जी, यहाँ अपने को सिर्फ एक चौखट उलगनी है और हम बुर्ज के भीतर होंगे दक्षिण दीवार में। हाँ जी सुंदर साहब जी, बहुत सुंदर। सिंह साहब, गीता जी, सुषमा दीदी, सुनीता जी, कुसुम दीदी, सबके, चांद दीदी, विजय दी। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए, अच्छा हाँ, ऐसा क्यों होता है? अब हम बुर्ज के भीतर हैं, है ना, बुर्ज के भीतर हैं। ये उत्तर दीवार है, यहाँ पे हम एक सीढ़ी ऊंची है। अभी ये शोभा वैसे तीसरी भूमि में ज्यादा क्लियर होती है। हम एक सीढ़ी ऊपर है तो एक सीढ़ी उतर के यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर लेवल में है तो ये जो एक सीढ़ी ऊंची चौखट है, इधर भी दक्षिण तरफ भी एक सीढ़ी ऊंची चौखट है, तो उसको उलंग के अपने को भीतर आना। अब पूर्व दिशा की दीवार की शोभा देखते हैं। पूर्व दिशा की दीवार में दरवाजा कैसे आया है? आधा दरवाजा आया चबूतरे पर और आधा आया धाम रोज पर। तो जब चबूतरे पर है तो कैसे उतरेंगे? सीधा एक सीढ़ी उतर जाएंगे। चबूतरे पर है, अब आप अपने को चबूतरे पर महसूस करो। एक पल्ला चबूतरे पर है, चबूतरे पर है तो हम सीधा एक सीढ़ी उतर गए। और धाम रोज पे है तो एक सीढ़ी उलंग के हमको बुर्ज में आना है। ये देखिए सुंदर सा जी, यहां से भी देखते हैं। ये देखिए, हाँ जी सुंदर सा जी, अब ये चबूतरे पर है तो अभी इसको सीढ़ी एक ही महसूस करें। सुंदर सा जी, इसको तीन सीढ़ियां नहीं देखना। यहाँ एक सीढ़ी ऊंची चौखट ही महसूस करें कि यहाँ पर एक सीढ़ी ऊंची चौखट है। अब हम चबूतरे पर हैं तो एक सीढ़ी उतर गए और यहाँ पर एक सीढ़ी चौखट उलंग कर, और एक बड़ी प्यारी सी शोभा, बीच में तीन हाथ का कठेड़ा है। ये देखो, दरवाजे के पल्ले, आधा पल्ला चबूतरे पर, आधा धाम रोज पर, बीच में यहाँ की हद मर्यादा के वास्ते। वहां तो गिरना वगैरह कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ तो जैसे एक सीढ़ी ऊंचे का ही वर्णन है। जब हम दूसरी भूमिका में जाते हैं तो तीन सीढ़ी ऊंचाई आ जाती है, और छज्जे को ले लेते हैं एक सीढ़ी नीचे तो चार सीढ़ी की ऊंचाई आ गई। तो वहां पे हद मर्यादा के वास्ते कठेड़ा है। अब सखियों का समूह यहाँ से भी उतर रहा है, यहाँ से भी अंदर जा रहा है, तो बीच में एक सुंदर कठेड़े की शोभा है। तो इस तरह से पूर्व दीवार से हम अंदर जाएंगे। चबूतरे पर है तो सीढ़ी उतर कर, धाम रोज पे है तो हम चौखट को उलंग लेंगे। ये हो गई शोभा अपनी कि पूर्व दीवार से कैसे अंदर जाना। अब एक शोभा और महर्षि जी ने अपने को बताई है कि यहाँ पर जो बुर्ज, दोनों बुर्ज, धाम दरवाजे के हाथ के दोनों तरफ जो बुर्ज आते हैं उनके मध्य नीलवी का अक्ष आता है। ये देखिए, दरवाजे के पल्ले बंद हैं तो अपने को नीलवी का अक्ष पूरा नजर आ रहा है, पल्ले खुल जाते हैं तो आधा अक्ष नजर आता है। तो यहाँ पर सुंदर साजी दिल में ये भी भाव आता है, जैसे हम कह रहे हैं दो दो रंग की झलकार है। यहाँ पर नीलवी का थंब है, इस किनार पर ये नीलवी का थंब है, और इस थंब के साथ मिलकर ये मेहराब भी बना रहा है 133 हाथ की। तो ये पूर्व दीवार पे पूरी नीलवी की झलकार, जो अपना दरवाजा है इस बुर्ज का, उसकी जो बेनी है,
उसकी चौखट है सभी नीले रंग में शोभायमान होती हुई। तो ये जब दरवाजे के पल्ले जुड़ते हैं तो वहां भी नीलवी का अक्ष बनता हुआ, नीलवी के थंब का एक सुंदर चित्रामन बनता हुआ। जब दरवाजे बंद हैं तो अपने को पूरा 22 हाथ ऊंचा थंब नजर आ रहा है। दरवाजे खुल जाते हैं, जिस वक्त दरवाजे खुल जाते हैं ये देखिए, तो अपने को नीचे के 22 हाथ का थंब नजर नहीं आता। ये देखिए, ये नीलवी का थंब, इधर नीलवी का थंब, ऊपर सुंदर मेहराब 133 हाथ की, 66 हाथ तो बुर्ज ने दबा लिए ना। ये देखिए, ये नीलवी का थंब, जब दरवाजे बंद है तो पूरा नीलवी का थंब नजर आ रहा है, और जब पल्ले खुल जाए तो तले के 22 हाथ, 22 हाथ का लंबा चौड़ा अपने दरवाजा देखा ना, तो 22 हाथ का अपने को थंब नजर नहीं आ रहा। अब क्या शोभा नजर आएगी? ये जो पल्ले है ना, इनके पल्लों पर अपने को ये आधा आधा सुंदर चित्रामन नजर आ रहा है। अब ये दोनों पल्ले बंद हो जाएंगे तो नीचे तक अपने को नीलवी का अक्ष नजर आएगा। तो पूरब दिशा की ऐसी शोभा हुई। सुंदर सा जी, ये शोभा क्लियर है? एक बार वापस वर्णन करो। इसको शोभा को अपन यहां से देखते हैं, ये जो महर्षि जी का प्रदर्शन है, ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ से समझ में अर्थ करते हैं कि गुर्ज के बीच में क्यों आया वो था। ये देखिए, हीरा मानिक पुखराज पांचो नीलवी। हीरा के ठीक सन्मुख हीरा, माणिक के सन्मुख माणिक, पुखराज के सन्मुख पांच, पांच के सन्मुख, अब नीलवी के सन्मुख। अब यहाँ मंदिर की दीवार तो अपने को मिलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ 66 हाथ गुर्ज ने दबा लिए। यहाँ बिल्कुल अपने को गुर्ज का सेंटर मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जब दरवाजे, आधा दरवाजा गुर्ज पे है, आधा चौधर गुर्ज का जो आधा पल्ला है दरवाजे का चबूतरे पर, आधा नीचे, तो वो दरवाजे के पल्ले जब जुड़ते हैं ना तो उसके बीच में अक्ष आया, तो इसलिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो मेहराब पड़ेगी, ये मेहराब पड़ेगी 134 कहीं या 133 कहीं, क्योंकि 66 हाथ गुरुज ने दबा ली है। अब यहाँ से यहाँ जो मेहराब पड़ रही है, या यहाँ से यहाँ जो मेहराब पड़ रही है, वो मेहराबे पूरी दो मंदिर की है। यहाँ पर मेहराब है 133 हाथ, है ना। तो इस तरह से सुंदर साची, बस एक दो क्वेश्चन और है, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। एक दो शोभा और है, वो वर्णन में कर लूं, फिर क्वेश्चन आंसर लेती हूँ। ये देखिए बुर्ज, इसको यहां से भी देख सकते हैं, जैसे ये पल्ला ले लेंगे हम दरवाजे का, है ना, आधा पल्ला तो हो गया चबूतरे पर, आधा पल्ला हो गया अपना धामरोस पर। अब ये दोनों दरवाजे जब बंद हैं तो अपने को नीलवी का पूरा अक्ष नजर आ रहा है ऊपर तक, 44 हाथ तक। अब ये दरवाजा जब खुल जाएगा तो ये तले का 22 हाथ को अपने को अक्ष नजर नहीं आएगा। ये अभी अपने जो परिक्रमा करते हैं ना चितवन से पहले, उसमें से लिए है, तो कल जब आप वो देखो, या अभी कहूंगी दीदी को चला देंगे वो वाली वापिस। अब चबूतरे की दो भूमि हमने देखी, प्रथम भूमिका और दूसरी भूमिका। प्रथम भूमिका के चबूतरे में है तो मंदिर में कैसे जाएंगे हम? मंदिरों से एक सीढ़ी ऊंचे हैं तो एक सीढ़ी उतर के जाएंगे। इन जरोखे में है तो मंदिरों में कैसे जाएंगे? तीन सीढ़ी उतर कर, जरोखे में है तो तीन सीढ़ी उतर कर। तो जब हम यहाँ जरोखे से तीन सीढ़ी उतर कर इसमें मंदिर में जा रहे हैं, तो यहाँ से अपन जब बुर्ज में जाएंगे, दूसरी भूम के जरोखे में है अब हम। पहली भूम का जो चबूतरा था एक सीढ़ी ऊंचा है, ये मंदिरों से तीन सीढ़ी ऊंचा है। मंदिर में जा रहे हैं तो तीन सीढ़ी उतर के जा रहे हैं,
तो अब हम जरोखे में जाएंगे तो तीन सीढ़ी उतर के ही जाएंगे। छज्जे से हैं तो छज्जे से अब अपने को बुर्ज में जाना है, तो छज्जा मंदिरों से एक सीढ़ी नीचे आया है, और बुर्ज और मंदिरों का लेवल, बुर्ज और मंदिर का लेवल समान है। प्लस जो बुर्ज की चौखट है, अगर यहाँ तीन सीढ़ी ऊंची चौखट हो गई तो इधर भी तीन सीढ़ी ऊंची चौखट है, इधर इस दीवार में भी तीन सीढ़ी ऊंची चौखट है। तो हमको एक सीढ़ी तो चढ़नी है छज्जे की, तीन सीढ़ी चढ़नी है चौखट की, चार सीढ़ी चढ़ेंगे और तीन उतरेंगे तो हम जरोखे में आएंगे। ये देखिए, तीन सीढ़ी हम मंदिर के जरोखे उसके अंदर, सॉरी बुर्ज के अंदर है। तीनों चौखट देखो, तीन सीढ़ी ऊपर आ गई, पूरब दीवार की भी, उत्तर की भी, दक्षिण की भी, पूरी चौखट तीन सीढ़ी ऊपर आ गई। तो उत्तर दिशा से जब जरोखे में आ रहे हैं तो सीधा ही तीन सीढ़ी उत्तर आना है, क्योंकि हम तीन सीढ़ी ऊंचाई पर हैं। हम जरोखे में हैं, जरोखा मतलब जो पहली भूम का चबूतरा है उसकी छत जरोखा हुई। ये जरोखा मंदिरों से तीन सीढ़ी ऊंचा है, मंदिरों में जाना है तो तीन सीढ़ी उतर के जाना है, तो ऐसे बुर्ज में आना है तो तीन सीढ़ी उतर के आना है। लेकिन छज्जे पर है तो अपने को चार सीढ़ी चढ़नी है और तीन उतरनी है, और पूरब दिशा में भी अपने को इसी तरह से शोभा मिलेगी। जरोखे से आएंगे तो सीधा ही तीन सीढ़ी उतर आएंगे, छज्जे से आएंगे तो चार सीढ़ी चढ़ेंगे और ये तीन सीढ़ी उतर कर बुर्ज में आ जाएंगे। स्क्रीन शेयर में दिक्कत आ रही है थोड़ी। अब सुंदर शाह जी एक बार फिर रिवाइज करें, बुर्ज और मंदिर का लेवल क्या समान है? बुर्ज और मंदिर का लेवल समान आया है। अब बुर्ज और धामरोस क्या इनका लेवल समान है? बुर्ज और धामरोस प्रथम भूमिका में जो अपनी परिक्रमा रोस है उनका लेवल समान आया है। अब बुर्ज और छज्जे धाम की आठवीं भूमि तक इनका लेवल समान है। अब छज्जे बुर्ज से एक सीढ़ी नीचे है, क्योंकि बुर्ज और मंदिर समान रूप से आए हैं और मंदिर से एक सीढ़ी नीचे छज्जा है, तो यहाँ पर लेवल समान नहीं है। तो सुंदर साह जी इस तरह से प्रयास किया थोड़ा सा शोभा का विस्तार करने का।